लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं, जो करीब 3 दशक से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं और पीएमएस मैनेज करने से पहले वो सेल साइड पर भी रह चुके हैं। तो उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या व्यू बन रहा है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन क्या इलेक्शन का जो एक रिस्क लग रहा था वो कुछ हद तक कम हुआ है पिछले 1 हफ्ते 10 दिन का मूव देखकर, या अभी भी वो रिस्क इंटैक्ट है आपके हिसाब से? अनु जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, इलेक्शन का तो एक्चुअली हमारे माइंड में बहुत ही क्लैरिटी है कि हमें चाहिए कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आ जाए वापस, और वो एक सिंपल मेजोरिटी भी चलेगी। 272+ इज जो देखना है, वही देखना है हमें। तो उसके लिए अगर जो मतलब आई डोंट थिंक इतना मेहनत लगेगा वहां पे, तो वो हमें लग रहा है कि जो बाजार में जो उथल पुथल हो रहा है उसको लेके वो शायद बिल्कुल जायज नहीं है। आई थिंक हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि एनडीए आ जाएंगे और प्रॉब्ली द ओल्ड पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहेंगी, और उसके चलते हमें लग रहा है कि थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगा। सो ये एक चीज गिवन है। लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम हमें जो लग रहा है बाजार में आज की तारीख में है, वो है एक तो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, क्योंकि काफी एफआईआईज मूव आउट कर रहे हैं। चाइना जरा ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाने लग गया और बहुत ही सस्ता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इनफैक्ट लेस देन हाफ द वैल्यूएशन ऑफ इंडिया चाइना ट्रेड कर रहा है वहां पे। तो इसलिए लग रहा है कि उनको एक तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं देखनी है एफआईआईज को, इसलिए वो थोड़े मूव आउट करके वहां जा रहे हैं। और दूसरा जो है वो क्वार्टरली नंबर्स है, वो शायद थोड़े डिसअपॉइंटिंग आ रहे हैं आज की तारीख में। इतने बढ़िया नंबर्स नहीं है, टॉप लाइन तो बिल्कुल ही नहीं है, ड्राई अप हो गया टॉप लाइन। तो बॉटम लाइन जो ग्रोथ आ रही है वो मेनली सिलेक्ट पॉकेट्स में आ रही है। तो ये सब जो है वो अच्छा नहीं है बाजार के लिए। ऑब्वियसली ये 1.5 महीने का जो सीजन पॉलिटिकल चल गया वो भी काफी लंबा चल गया है। तो आगे चल के तो हमें लग रहा है कि इंडिया लाइक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इंडिया कंपैरिजन जैसा ग्लोबली आपको दिखेगा नहीं, गिवन द kind of growth that we are going to see हमारे GDP। ओके, अच्छा, अब यहाँ से कुछ अगर थीम्स की बात की जाए, FMCG पर इन पर्टिकुलर क्या व्यू बनेगा? क्योंकि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में रूरल फेसिंग स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस बार अबव एवरेज मानसून भी आ जाए। जी, एक्चुअली FMCG जो अभी आज की तारीख में रिजल्ट देखेंगे आप क्वार्टर के, तो वो तो बहुत ही बिल्कुल ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स थे। इनफैक्ट अगर आप कट्स देखें उनके अर्निंग्स में आफ्टर द रिजल्ट्स, 4-5% अर्निंग्स कट्स आए हैं करंट ईयर के और अगले साल के वगैरह। तो इट वॉज ऑब्वियस के रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं थे, इसलिए एनालिस्ट ने काफी कट लिए हैं। तो दैट वॉज वो एक ऐसा FMCG सेक्टर था जो काफी डिसअपॉइंटिंग था नंबर्स वाइज दिसंबर मार्च के। बट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो यही थी कि मार्च में उन्होंने जाके कुछ अपसाइड दिखे है रूरल इकोनॉमी में। ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया, 2 साल के ऊपर हो गए कि रूरल इकोनॉमी पिकअप नहीं हुई है, और इसलिए था रीजन कि वो शायद पिकअप आना चाहिए और वो आ भी रहा है। लेकिन आप देखिए कि बेस काफी लो था, तो ये जो पिकअप है वो इतना एक्साइटिंग पिकअप भी नहीं है। और दूसरा जो हमने दूसरा जो सुना वो ये सुना कि जो पिकअप है वो लोअर एंड ऑफ द कमोडिटीज में, मतलब जो सॉरी प्रोडक्ट्स में, तो डाउन ट्रेडिंग चल रहा है वहां पे रादर देन बाइंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स रूरल मार्केट में। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेस है वहां पे बाकी, इसलिए इतना क्लैरिटी नहीं है। 12 जैसे आपने बोला मॉनसून अगर जो बढ़िया है और लानीना की बात चल रही है तो उसमें तो मॉनसून अच्छे ही आते हैं। तो अगर जो वैसा है तो आई थिंक अगेन मैटर ऑफ टाइम जब रूरल एक बार और फिर से किक इन हो जाए आगे चल के। इसलिए प्रॉब्ली फ्रॉम 4th-5th quarter आपको अच्छे नंबर दिखने लगेंगे, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि ये क्वार्टर भी जो है जून का इतना बढ़िया नहीं आने वाला FMCG कंपनीज के लिए। आज दिनशो सर की जो आई थिंक बातें हैं वो थोड़ी सी मायूस करने वाली हैं। एक तो इनको अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं लगी, टॉप लाइन थोड़ा ड्राइड लगा, और जो एक और बात आपने कही, नहीं खैर ठीक है ऐसी बात नहीं, जो सत्य है सत्य है, आपने जो बात कही कि FIS का पैसा चाइना के मार्केट में जाता हुआ, हैंगसेंग को देखिए आपने बीते 2 महीने में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। मैं इनफैक्ट स्टैट्स देख रहा था दिनशो जी,
स्पेशली मार्च अप्रैल मई में एफआईएस लिक्विडेशन काफ़ी हुआ है। मेरे पास जो डिजिट्स है उसके मुताबिक करीब 70,000 करोड़ रुपए इस दौरान उन्होंने एग्जिट किया इंडियन मार्केट्स को। ये जब डाइवर्जेंस आता है, इंडियन मार्केट्स को अवॉइड करते हैं फिर चाइनीज मार्केट को चेस करते हैं, ये कितने समय तक परसिस्ट करता है हिस्टोरिकली? क्योंकि आप जहाँ बैठते हैं वहाँ से आप लोगों की ये पैमाइश होती होगी अमूमन, ये डिफरेंशियल कितने समय तक रहता है? एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, एक अर्निंग सीजन, दो अर्निंग सीजन? जी एक्चुअली वीरू जी मुझे भी लगता है कि अर्निंग सीजन का भी इशू था ज्यादा, देन चाइना जो बोला उसका था। तो आपको अगर याद होगा अक्टूबर 2022 में चाइना बोला कि हम अभी ओपन अप कर रहे हैं और हमारे पब्लिक को वी आर अलाउइंग देम, कोविड से बहुत जोरों के वो बाहर निकले थे। चार महीने शायद वहां पे काफी मोटे फ्लोज गए थे और इंडिया ने काफी आउटफ्लो देखे थे उस समय तक। मुझे याद है अक्टूबर तक बहुत ही मोटे इंडिया में इनफ्लोज थे एफआईएस के, और फिर पिछले अगले दो महीने में नवंबर दिसंबर में काफी आउटफ्लो हुए और ये कंटिन्यू रहे फरवरी तक। फिर मार्च में वापस फ्लोज आने चालू हो गए थे और उसके चलते आपने देखा कि बाजार में वापस पिकअप हुआ था, मार्च 2023 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चार पांच महीने मुझे लगता है ट्राइंग है, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए जो चाइना ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं अपनी इकोनॉमी को पुश कर रहा हूँ, मैं अपने रियल एस्टेट को बेल आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन जो नंबर्स हैं जो बात करते हैं इकोनॉमी जो जो बेल आउट की बात हुई जैसे रियल एस्टेट की, अभी रिसेंटली ये दो हफ्ते पहले शायद उन्होंने नंबर निकाले थे, $49 बिलियन की बात हुई है। That's the thing. उनका जो इन्वेंट्री है वो $700 बिलियन का इन्वेंट्री उनके पास पड़ा होगा, तो ये 49 बिलियन कहां तक वो बिल आउट करेगा उस सेक्टर को, वो काफी क्वेश्चनेबल है। दूसरा उन्होंने बोला कि मैं अपनी इकोनॉमी पुश कर रहा हूँ, लेकिन डोमेस्टिक जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो नेगेटिव है उनका, डिफ्लेटर नेगेटिव ही होता है नॉर्मली, सॉरी। तो इधर आप देखें तो इट्स ऑब्वियस है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इतनी पिकअप नहीं हो रही है वहां पर, तो इट्स ऑब्वियस कि वो पुश करने की ट्राई कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में। तो ये सब जो स्टोरियां हैं वो एक हद तक चल सकती है, और वही हुआ जैसे मैंने बोला चार पांच महीना प्रॉब्ली आपको दिखेगा बिफोर, और हमें तो ऐसे एक्चुअली लग रहा है कि एक बार रिजल्ट आ जाए हमारे इलेक्शन के, बजट ऑफ द वे हो जाए, तो वापस आपको ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट में एफआईएस के फ्लोज दिखने चालू होंगे। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अगर जो आप इतना बढ़िया ग्रो करने वाले हैं आगे चल के, अपना जीडीपी एक्सपेंशन इतना होने वाला है, तो इग्नोर नहीं हो सकता, इंडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय एनी अदर बिग प्लेयर इन द एफआईएस स्पेस। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं इंस्टीट्यूशनल मनी पर और उसके फ्लो पर आपका क्वेरी था। अभी आपने अर्निंग सीजन की बात करी, बट उसी अर्निंग सीजन में एक स्पेस ऑटो, दिनशो जी आपने इस बार M&M के नंबर्स देखे होंगे, उनके मार्जिन्स को देखा, एक और बात है इन कंपनियों के, चाहे वो आप मारुति देखें, चाहे टाटा मोटर्स देखें या M&M देखें, इनके लॉन्चेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं बीते डेढ़ साल में, दो साल में। अभी M&M एक नई लॉन्च लेके आया करीब 1500 cc के सेगमेंट में, ऑटो पे आपका व्यू क्या है, ऑटो को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को, टू व्हीलर सेगमेंट को, या फिर ऑटो एंसिलरी स्पेस को? देखिए टू व्हीलर स्पेस पहले तो उसकी बात करते हैं, सबसे इजीएस्ट वही है क्योंकि वहां पे एक मोटा टिप आया था डिमांड में, और वो आई थिंक बिकॉज ईवीज जो थे वो काफी हद तक उनका मार्केट शेयर ले गए थे, तो वो डिप से थोड़ा पिकअप दिखाया आपको। और आई वाज टोल्ड कि इस टाइम जो गर्मी के सीजन में जो शादी का सीजन था उसमें काफी अच्छा ऑफटेक भी हुआ है टू व्हीलर्स का, तो इसलिए अभी भी आजकल काफी ड्रिवन होता है मैरिज सीजन से चलते, तो एनीवे तो उसे अच्छी अच्छा पिकअप हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे लिमिटेड स्टोरी है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है टू व्हीलर स्पेस में वो काफी हद तक कम्पीट करेंगे, और वो ही एक लेसन है जो हमें दिख रहा है पीवी स्पेस में, पैसेंजर व्हीकल स्पेस में भी। हमें तो ऐसे लग रहा है कि आज की तरह आपने बाय द वे टाटा मोटर की जो जिक्र किया आपने, उनका रिजल्ट अच्छा था लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो काफी सब्ड्यूड थी, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि वहां पे भी उन्होंने ग्लोबली जो बाय द वे टाटा मोटर के मेन नंबर JLR के ही थे, और JLR में जो नंबर अभी आगे चल के दिख रहे हैं वो काफी कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास ईवी पोर्टफोलियो नहीं है आज की तारीख में, हाइब्रिड पोर्टफोलियो है लेकिन इतना बढ़िया नहीं है, तो उसके चलते वहां पे उनको दिख रहा है कि एक कोलैप्स आएगा उनके वॉल्यूम्स में, तो उसके चलते उसके बाद टाटा मोटर नीचे आया था। एनीवे तो यही जो मैं बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम होने वाली है ये स्पेस में। बहरहाल जैसे आपने M&M की बात की, M&M मेनली आई थिंक SUV स्पेस में काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए वो शायद ठीक रहे, लेकिन मैटर ऑफ टाइम है कि ऑटो स्पेस में जब तक ईवी का ओवरहैंग रहेगा
आई डोंट थिंक ये सेक्टर इतना बढ़िया करेगा। हमें तो एक्चुअली ये लग रहा था कि मार्च क्वार्टर शायद एक पीक क्वार्टर था, और इसके बियॉन्ड आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देखेंगे ऑटो स्पेस में। बिल्कुल। मेटल्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या आप निशा जी? मतलब इवन अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजिक कॉल ही लेना हो यहाँ पर तो। जी, प्रॉब्लम मेटल्स का, जैसे मैंने बोला कि जैसे ही चाइना पे जाए, लाइक आई डोंट नो, आपने शायद ये भी देखा होगा कि यूएस ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चालू कर दिया चाइना पे। इनफैक्ट चाइना प्रोडक्ट, इनफैक्ट उनके ईवीज में जो 25% ड्यूटी थी वो बढ़ा के उन्होंने 100% कर दी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला चाइना में तो डिमांड है नहीं, तो वो शायद पुश कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में। तो ये सब अगर जो इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली मेटल स्पेस में काफी हद तक नमी आ जाएगी उसके बाद, क्योंकि आज की तारीख में मेटल रैली इसीलिए कर रहे हैं कि लोग देख रहे हैं कि चाइना में ग्रोथ आ रही है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है, पर हमें नहीं लगता कि ये ज्यादा सस्टेन होगा। इसलिए हम एक्चुअली आज की तारीख में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे इसमें। हमें लगता भी नहीं कि ये पॉप जो आया है आपके मेटल स्पेस में वो ज्यादा हद तक लास्ट आउट करेगा, सो वी आर नॉट पार्टिसिपेट। ओके बिल्कुल। अच्छा एक तो चीज़ें और पूछनी थी आपसे। क्या आप समय आ गया है कि थोड़ा सा व्यू चेंज किया जाए और बैंकों में अब फोकस किया जाए सेकेंड टीयर बैंकों पर? आई नो आपका काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स पर, लेकिन क्या अब थोड़ा ज़्यादा आपको मोमेंटम इस समय दिख रहा है PSU बैंकों में या बाकी के सेकेंड टीयर प्राइवेट बैंकों में? अनिल जी, एक्चुअली पीएसयू बैंक तो जैसे कंसोलिडेशन काफी हुआ है, मतलब 27 बैंक में से अभी सिर्फ 12 या 13 बैंक रह गए हैं आज की तारीख में पीएसयू में, 12 बैंक रह गए। तो इट्स ऑब्वियस कि गवर्नमेंट का फोकस काफी था उधर, और उसी के चलते हमें भी थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ है, और हमने भी एक्सपोजर लिया थोड़े पीएसयू, दो ही पीएसयू बैंक है हमारे पास तो उनमें हमारा एक्सपोजर है। लेकिन ओवरऑल जो फाइनेंस स्पेस है, बैंक्स को आप इंक्लूड करें उसमें, तो वो हमें लग रहा है कि काफी वाइब्रेंट होने वाला है आगे चल के, क्योंकि आप अगर जो जैसे हमने बोला कि हमारी GDP 5 ट्रिलियन होने वाली है अगले 2-3 साल में, तो अगर जो वो ऐसा होने वाला है तो आप ऐसी इकोनॉमीज देखें जिन्होंने ये किया था पहले, तो वहां पे फाइनेंशियल्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था उस समय। इनफैक्ट आपको याद होगा वॉरेन बफेट जी ने जो मेजर पैसा कमाया था वो फाइनेंशियल में ही कमाया था 70s में, तो वो आप देखें तो हमें तो लग रहा है कि ये स्पेस इतनी बढ़िया होने वाली है आगे चल के इंडिया के लिए, इसलिए इतना एक्साइटमेंट हमारे बीच में कि हमने ऑलरेडी एक अप्रूवल ले लिया है, और हम वेरी शॉर्टली एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस भी है मार्केट में काफी बढ़ गए हैं अभी। बैंक्स तो पहले से ही थे प्राइवेट और पीएसयू, पर अभी आप दूसरे जो एनबीएफसी स्पेस में जो देख रहे हैं, सर्विसेज स्पेस में देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऑप्शन आ गए। अपने स्टॉक एक्सचेंजेस भी लिस्ट हो गए हमारे बोर्सेस पे, या तो ब्रोकर्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, मॉर्गेज कंपनीज हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये स्पेस में काफी वाइब्रेंसी रहेगी आगे चल के, और इसलिए ये जो 4 साल पिछले 4 साल का अंडर परफॉर्मेंस है वो वेरी शॉर्टली हमें लगता है कि टर्न होने वाला। अच्छा सर दिनशो सर, इस दौर में बीते 3 महीने में एक चीज़ जो कि बाजार के फेवर में थी, हालांकि आई मीन इस बार ईरान में जो दुर्घटना घटी वो कतई अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में क्रूड की रियलिटी जो रही, आई मीन 80-82 की ट्रेजेक्टरी में इसका बहुत वाइल्ड तरीके से 90-95 पे ना जाना या फिर सिंक भी ना होना 74-75 के जोन में, लेकिन 82 पर क्रूड की स्टेबिलिटी आपको इस वक्त OMCs पर क्या व्यू रखने को कहती है? आई मीन OMCs जिसमें हमने इनके करियर का सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देखा पिछले 4 महीने में, अभी आपका व्यू क्या है? जी, एक्चुअली हमारा OMCs में काफी हद तक व्यू चेंज हो गया था, लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, क्योंकि हमें लग रहा था कि पीएसयू स्पेस में एक जो कैश क्राउ हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो OMCs ही थी, तो इसलिए हमने हमारे पास दोनों जो मेजर OMCs है वो हमारे पास है आज की तारीख में, और इसीलिए रखे हुए थे क्योंकि यहाँ पे जो पहले होता था, क्या होता था कि इतना प्रोफेशनली मैनेज नहीं होता था, देवर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो बोले भाव काटो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लेकिन हमने देखा कि इन्फ्लेशन भाव बढ़ते बावजूद
गवर्नमेंट ने उनके भाव नहीं काटे, उनको काफी हद तक एक सुपर ऑर्डिनरी मार्जिन अर्न करने दिए, सुपर एक्स्ट्रा मार्जिन अर्न करने दिए। और वो लास्ट 3 महीने पहले शायद उन्होंने काटा था, बट दैट वाज टू नॉर्मलाइज द मार्जिन्स। तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि इस बार इतना इंटरवेंशन नहीं है उनके पार्ट में। और दूसरा, जैसे आपने बोला, एक ग्रुप में स्टेबिलिटी जैसी आ गई है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि जो ओपेक कंट्रीज थी उन्होंने काफी कट किया प्रोडक्शन में, फिर भी भाव इतना बड़ा नहीं, फिर एक टेंशन हुआ इसराइल और ईरान के बीच में, तब एक स्पाइक होके 90 हो गया था, फिर वापस 80-82 पे आके रुक गया है डॉलर पर बैरल क्रूड का भाव। तो ये स्टेबिलिटी इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। और हमें ऐसे लग रहा है कि आगे चल के अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो बजट आने वाला है जुलाई में होपफुली, वहां पे हमें लग रहा है कि पीएसयूज पे काफी हद तक ध्यान दिया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही है, डाइवेस्टमेंट की बातें हो रही है, तो हमें ये लग रहा है कि ये जो सेक्टर है वो काफी हद तक वाइब्रेंट है। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, अर्निंग्स पे और सेक्टर्स पे और FIIs मनी पर आपने अपना व्यू हमसे शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।